और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा, नीतीश कुमार अपमान करने वालों के साथ हैं। आरजेडी ने नीतीश का दुरुपयोग किया है, ये शहनवाज हुसैन का बयान। जिन लोगों ने उन्हें सम्मान दिया उन्हें वो छोड़ रहे हैं। हमने ईमानदारी से काम किया है, शहनवाज हुसैन ने कहा। हम एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। हम लोकसभा चुनाव में सभी 40 सीटें जीतेंगे, ये शहनवाज का दावा है। जिन्होंने उन्हें गालियां दी, जिन्होंने उनको अपमानित किया, उनके साथ वो जा रहे हैं। जिन्होंने सम्मान दिया उनको छोड़कर जा रहे हैं। हम लोगों ने तो ईमानदारी से काम किया और ये भी कहा कि साथ में चुनाव लड़ेंगे। और नीतीश कुमार जी का जो उभार हुआ था वो राजद के खिलाफ ही हुआ था। वही उनकी USP थी कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आगे आए। तो आज जिस वजह से वो पहचाने गए, आज उन्हीं के साथ जाकर खड़े हुए। हम लोगों ने तो पूरा उनको सम्मान दिया, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने सम्मान दिया। उनको कहीं से कोई दुश्वारी नहीं थी। किस तरह से उन्होंने अपनी स्थिति को राजद की तरफ किया, ये क्या मजबूरी थी, वो तो उनको बताना। हम मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और लोकसभा के चुनाव में 40 की 40 लोकसभा सीट जीते, इसके लिए अभी से ताकत लगाएं।